मैं झूला झूलकर अपने बचपना का याद ताजा कर रहा था, लेकिन मुझे काफी सावधान रहना पड़ा, विशेषकर जब मेरी गोराउंड तेजी से घूम रहा था। मैं उसके छड़ों को कस करके पकड़ रखा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी केन से लगते हुए कोई बल मुझे बाहर की तरफ धकेल रहा है। अब वो बल क्या है जो कि तब कार्य कर रहा था जबकि मेरी गोराउंड घूम रहा था? वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए कोई पिंड से संबंधित तंत्र को घूर्णी निर्देश तंत्र कहा जाता है। वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए वेग की दिशा में लगातार परिवर्तन होता है और इस दिशा परिवर्तन के कारण केंद्र की दिशा में एक त्वरण उत्पन्न होता है। इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं और संबंधित बल को अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल केवल वृत्तीय कक्षा की केंद्र की ओर कार्य करता है। तब वो ये बल नहीं था जो मुझको मेरी गोराउंड के बाहर की तरफ धकेल रहा था। आइए अब हम इस बल को एक और साधारण घूर्णी निर्देश तंत्र के सहारे समझने का कोशिश करें। यहाँ एक गोले को डोरी से बांधा गया है। अब मैं इसको घुमाता हूँ। हम देखते हैं कि डोरी में तनाव है और ये तनाव बल केंद्र की ओर त्वरण पैदा करता है। अगर कोई दर्शक गोले पर बैठा है तो घूमने की अवस्था में गोले को स्थिर पाता है, लेकिन डोरी को तनाव युक्त ही पाता है। ऐसा इस दर्शक के लिए क्यों होता है? क्योंकि उसकी हैसियत से इस स्थिति में तनाव के बराबर एक बल बाहर की दिशा में अर्थात तनाव बल की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। अब हम इसे और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब मैं इस गोले को एक रबर बैंड से बांध रखा हूँ। अब मैं इसको फिर घुमाता हूँ। आप देखते हैं कि डोरी से बने वृत्त की त्रिज्या रबर बैंड की लंबाई से कहीं अधिक है। इसके कारण है कि अपकेंद्र बल बाहर दिशा में कार्य करता है और यही बल मुझे मेरी गोराउंड से बाहर की तरफ धकेल रहा था। ये बल केवल घूर्णी निर्देश तंत्र में ही कार्य करता है। इसे जड़त्वीय बल भी कहते हैं। एक जड़त्वीय दर्शक के लिए इस बल का कोई अस्तित्व नहीं है। अब प्रश्न ये है कि एक जड़त्वीय दर्शक कौन है? वह दर्शक जिस पर कोई बल नहीं लग रहा है वो एक जड़त्वीय दर्शक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यह दर्शक या तो स्थिर रहेगा या एक समान वेग से गति करता रहेगा। सर आइजक न्यूटन के अनुसार अंतरिक्ष के तारों के सापेक्ष स्थिर अथवा समान वेग से गतिमान दर्शक जड़त्वीय दर्शक हैं। अगर दो दर्शक एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है या समान वेग से गति कर रहा है तो वे एक दूसरे के प्रति जड़त्वीय दर्शक है। अगर गति करते हुए उनमें से कोई एक अपना वेग बढ़ा रहा है अर्थात त्वरित हो रहा है तब वे दर्शक एक दूसरे के प्रति अजड़त्वीय दर्शक होते हैं। वृत्तीय कक्षा में गति कर रहे दर्शक पर भी अभिकेंद्र तरण कार्य कर रहा होता है, अतः वह भी अजड़त्वीय दर्शक होता है। इस अजड़त्वीय दर्शक को किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों की गणना करने के लिए अन्य बलों के साथ साथ जड़त्वीय बलों को भी ज्ञात करना होता है। क्या इन जड़त्वीय बलों की गणना आवश्यक है? वास्तव में इन जड़त्वीय बलों की गणना के बिना हम भौतिक विज्ञान को समझ सकते हैं।
लेकिन ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम एक घुंडी निर्देश तंत्र में रहते हैं। जी हाँ, अपनी पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। अब केंद्र बल की सहायता से हम ये आसानी से जान सकते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार न होकर गोलाभ होता है, जिसमें विषुववृत्तीय उभार होता है। इसे समझने के लिए यहाँ हम एक मॉडल देखेंगे। इसमें धातु की चार पट्टियां हैं जो घुमाने पर गोलाकार दिखती है, लेकिन यदि हम इसे तेज घुमाएं तो इसमें गोलाभ का आकार आ जाता है जो विषुववृत्तीय उभार भी दिखलाता है। अपकेंद्र बल का व्यंजक है माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, जहां एम पिंड का द्रव्यमान है, ओमेगा उसका कोणीय वेग और घूर्णी अक्ष के ऊपर लिए गए मूल बिंदु ओ के सापेक्ष आर स्थिति सदिश है। एक समान वर्तुल गति के लिए स्थिति सादेश आर एक समतल में होता है, जबकि मूल बिंदु उस वृत्त के केंद्र पर लिया जाता है जिसमें वह पिंड गति कर रहा है। कोणीय वेग ओमेगा की दिशा सदैव उस तल के लंबवत होती है, जिससे ओमेगा क्रॉस आर का मान ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है और अपकेंद्र बल का मान एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ ओमेगा कोणीय चाल है और आर वृत्त की त्रिज्या। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कोणीय चाल समान है, किंतु त्रिज्या के विषुवत वृत्त पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर निम्नतम होने के कारण अपकेंद्र बल विषुवत वृत्त पर अधिकतम और ध्रुवों पर निम्नतम होता है। पृथ्वी उत्पत्ति के समय तरल अवस्था में थी। इस स्थिति में अपकेंद्र बल के संसज्जन बल से अधिक होने के कारण पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर उभार हो गया और पृथ्वी का आकार एक गोले के समान ना रहकर एक गोलाभ के समान हो गया। अपकेंद्र बल का व्यंजक है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ओमेगा और आर अचर होता है तो एम के बढ़ने के साथ साथ अपकेंद्र बल बढ़ता जाता है। इस सिद्धांत को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रयोग करते हैं। ये एक छोटा सा सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इस परख नली में हम द्रव के साथ कुछ तैरते हुए कण को देख सकते हैं। अब हम इस कणों को द्रव से अलग करना चाहते हैं और इसलिए इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं। अब इस परख नली को हम इस पे रखते हैं। इस स्थिति में ये परख नली अब ऊर्ध्वाधर है, मगर जब हम इसको घुमाते हैं तब परख नली पर अपने घुर्णी निर्देश तंत्र में अपकेंद्र बल कार्य करता है और इसलिए यह सहतेज हो जाता है। अधिक गति में घूमने की स्थिति में किसी कण पर जो अपकेंद्र बल कार्य करता है वो उसके भार से बहुत ही अधिक होता है, इसलिए अपकेंद्र बल और कण के भार का परिणामी सदिश लगभग अपकेंद्र बल की बराबर ही होता है। तैरते कण द्रव के कण से जितने भारी होते हैं उतने ही तेजी से वो अपकेंद्र बल की दिशा में जाते हैं। इस प्रकार तैरते कण द्रव से अलग हो जाते हैं। अब हम इसको निकालते हैं। हम देखते हैं कि तैरते हुए कण द्रव से अलग हो गया है। अति सूक्ष्म कणों जैसे जीवाणु, हार्मोन, ये सब को द्रव से अलग करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। हमने द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के बदलने के साथ साथ अपकेंद्र बल का बदलने के बारे में चर्चा किया। अब अगर एम और आर अचर होता है तो अपकेंद्र बल का मान ओमेगा के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सर्कस में मोटरसाइकिल चालक द्वारा किया जाता है।
चालक अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी नहीं गिरता है, क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा की अधिक होने के कारण अवकेंद्र बल के ऊर्ध्वाधर घटक का मान चालक और मोटरसाइकिल के कुल भार से अधिक होता है। इसी कारण चालक ग्लोब में चक्कर लगा पाता है। यहाँ मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ जो आइजक न्यूटन ने 3 शताब्दियों पहले किया था। इस बाल्टी में रंगीन पानी भरा हुआ है, पानी स्थिर है और उसकी सतह इस लाल रेखा तक है। यह बाल्टी एक रस्सी से टंगी हुई है जिसमें बल दिया गया है। अब मैं इस बाल्टी को छोड़ दूंगा तो ये घूमने लगेगी। अब देखिए क्या होता है। जैसे जैसे बाल्टी के साथ पानी घूमने लगता है तो उसकी सतह किनारे पर ऊंची होने लगती है। इसका कारण यह है कि अपकेंद्र बल की वजह से पानी बाहर की ओर फेंका जाता है और उसकी सतह ऊंची होने लगती है। अब हम इस बाल्टी को रोक देंगे और पानी को फिर स्थिर होने देंगे। जब पानी स्थिर हो जाता है तो उसकी सतह फिर समतल हो जाती है और उसमें अपकेंद्र बल नहीं रह जाता। चलिए हम अब फिर चलते हैं मेरी गो राउंड की तरफ। बच्चे अब एक दूसरे प्रकार के मेरी गो राउंड के साथ खेल रहे हैं। क्या आप इसके साथ मेरे को एक प्रयोग करने देंगे? अब तक हम उन पिंडों के बारे में विचार किया जो एक घुंडी निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर अवस्था में थे। आइए देखें अगर कोई पिंड एक घूर्णी निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिमान हो तो क्या होता है। अब हम इसके सहारे इस गोले को एक गति प्रदान करूंगा। अगर मेरी गोराउंड स्थिर है तो ये गोली यहाँ केंद्र से त्रिज्या की दिशा में चली जाती है, यानी इस तीर की दिशा में। अब मेरी गो राउंड इस तीर की दिशा में घूम रहा है और इस गोली को मैं फिर उस पर छोड़ता हूँ। अब गोली तीर की दिशा में नहीं जाती है बल्कि अपने रास्ते से विक्षेपित हो जाती है। अजड़त्य दर्शक के अनुसार गोली के दिशा में विक्षेपण होता है। क्या ये अपकेंद्र बल के कारण होता है? नहीं, विक्षेपण पिंड की गति की दिशा से दाईं ओर होता है। आइए इस बल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह भी मेरी गो राउंड की तरह एक घूर्णी तल है और इस पर यह सिक्का सापेक्ष रूप से गतिमान है। पहले कल्पना कीजिए कि यह घूर्णी तल स्थिर अवस्था में है और यह सिक्का वेग v से केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है। समय t गुजरने पर यह सिक्का बिंदु O पर था। t के बाद डेल्टा t समय के उपरांत यह बिंदु A तक आ पहुंचा। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा टी समय में उसने ओ से ए तक वी डेल्टा टी दूरी तय की। यदि यह घूर्णी तल घूम रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सिक्का ए की जगह न आकर एक दूसरे बिंदु बी पर आ पहुंचेगा। घूर्णन के कारण इसका जो कोण है एओबी वो होगा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। यहाँ ओमेगा इसकी घूर्णन की कोणीय गति है। अब हम चाप एबी की लंबाई मालूम करेंगे। एबी जिसे मैं डेल्टा एस करके लिख रहा हूं।
यानि V डेल्टा T टाइम्स डेल्टा थीटा, अर्थात ओमेगा V डेल्टा T स्क्वायर। यदि हम इसकी तुलना समान त्वरण F द्वारा गतिमान कण की दूरी से करेंगे तो डेल्टा S इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा टी स्क्वायर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो त्वरण है F, यह होगा 2 ओमेगा V के बराबर। बल एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा भी ज्ञात करना आवश्यक है। पहले हम देखते हैं कि घूर्णी तल का जो कोणीय वेग है ओमेगा, यह ऊपर की दिशा की तरफ है और सिक्के की बाहर जाने की दिशा इस प्रकार है। तो अगर हम ओमेगा क्रॉस वी की दिशा पहले ज्ञात करें तो उसके लिए हमें यह पेच, इस पेच का सहारा लेना होगा। यह पेच अगर मैं ओमेगा की दिशा से वी की दिशा की तरफ घुमाऊं तो पेच मुझसे दूर की तरफ बढ़ेगा और यह होगी दिशा ओमेगा क्रॉस वी की। और जैसा कि हमने अभी देखा, सिक्के की मुड़ने की जो दिशा है वो ए से बी तक यानी मेरे तरफ यानी ओमेगा क्रॉस वी के विपरीत दिशा में है। इसलिए एफ सदिश व्यंजक में माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी। और इस त्वरण का मूल जो बल होगा उसे हम एफ इक्वल टू माइनस टू एन ओमेगा क्रॉस वी इस प्रकार लिख सकते हैं, जबकि एन उस सिक्के का द्रव्यमान है। किसी भी घूर्णी तल पर सापेक्ष रूप से गतिमान वस्तु पर इस बल का असर होता है। इस बल को कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को स्थापित किया सन 1835 में गुस्ताव गैस्पार्ड कोरियोलिस नाम के फ्रेंच अभियंता एवं गणितज्ञ ने। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है और इस पर अनेक वस्तुएं गतिमान हुआ करती है, जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बादल, वायु या बहता हुआ पानी। आइए बहते हुए पानी पर कोरियोली बल का प्रभाव देखें। मान लीजिए यह उत्तरी गोलार्ध है। पृथ्वी की घूर्णन की कोणीय वेग की दिशा को हम इस तीर से चिन्हित कर सकते हैं। और मान लीजिए ये एक नदी है। नदी के इस स्थान पर हम कोरियोली बल का प्रभाव देखेंगे। इस स्थान पर पृथ्वी की घूर्णन की कोणीय वेग की दिशा को हम इस तीर से चिन्हित कर सकते हैं जो कि इसके समांतर है। और नदी में बहता हुआ पानी की वेग की दिशा को हम इस तीर से चिन्हित कर सकते हैं। कोरियोली बल का व्यंजक है माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी। अब इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हमें ओमेगा क्रॉस वी की दिशा को ज्ञात करना होगा, इसलिए हम इस पेच का प्रयोग करेंगे। इसे हम ओमेगा की दिशा से वी की दिशा की ओर घुमाते हैं और आप देखते हैं कि ये पृथ्वी की अंदर की तरफ बढ़ता है, जिसकी दिशा ओमेगा और वी से बने हुए तल के लंबवत है। लेकिन कोरियोली बल में ऋणात्मक चिन्ह होने के कारण उसकी दिशा इसकी विपरीत होगा यानी इस दिशा में, और ये नदी की बहाव के तल के साथ ये कोण बनाती है और नदी के तल के ऊपर इसका घटक नदी के बहाव की दिशा की दाईं ओर होगा। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में नदी में कटाव दाईं ओर अधिक होता है। अब मान लीजिए
कि विश्वत वृत्त पर कोई नदी बह रहा है तो इस पर कोरियोली बल का प्रभाव क्या होगा। पृथ्वी की घूर्णन की कोणीय वेग की दिशा को हम फिर इस तीर से चिन्हित कर सकते हैं जो कि ये दो तीर के समांतर है और नदी में पानी के बहाव की दिशा को हम इस तीर से चिन्हित कर सकते हैं। अब ओमेगा क्रॉस वी की दिशा को ज्ञात करने के लिए ओमेगा से वी की ओर हम इस पेंच को घुमाते हैं और ये पृथ्वी की केंद्र की ओर बढ़ता है और कोरियोली बल की दिशा इसके विपरीत होगा यानी इस दिशा में जो कि पानी के तल के लंबवत है और इसलिए कोरियोली बल के कारण नदी के किनारे में कटाव नहीं होगा। अब आइए इस स्थिति को हम ध्रुव पर देखें। मान लीजिए ध्रुव पर कोई नदी बह रही है जिसकी दिशा हम इस तीर से चिन्हित करते हैं। अब हम ओमेगा क्रॉस वी की दिशा को ज्ञात करने के लिए ओमेगा से वी की ओर इस पेच को घुमाते हैं और ये नदी के बहाव की बाईं ओर बढ़ता है और कोरियोली बल इसके विपरीत यानी नदी की बहाव की दिशा की दाईं ओर और नदी के तल पे ही होगा। जैसा कि हमने देखा है कि इस बल की दिशा विश्वत वृत्त पर नदी के तल के लंबवत था और इसके कारण नदी के किनारों में इसका कोई प्रभाव नहीं था। विश्वत वृत्त और ध्रुव के बीच के एक बिंदु में इस बल की दिशा नदी के तल के साथ एक कोण बना रहा था और इस बल की क्षैतिज घटक नदी के दाईं ओर था और इसलिए नदी के दाईं ओर कटाव अधिक हो रहा था और ध्रुव पर इसकी दिशा क्षैतिज दिशा में ही है और नदी के दाईं ओर है इसलिए इस बल का प्रभाव ध्रुव पर अधिकतम है और इस तरह कोरियोली बल का प्रभाव विश्वत वृत्त में सबसे कम यानी शून्य और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं ये बल का प्रभाव बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। इसी प्रकार कोरियोली बल का प्रभाव बहती हुई वायु पर भी पड़ता है। अब मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में कोई कम दबाव की क्षेत्र बनता है। इस स्थिति में चारों ओर से वायु इस क्षेत्र की ओर आती है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोली बल के कारण वायु की गति की दिशा में दाईं ओर का विक्षेपण होता है। वायु कम दबाव के क्षेत्र की ओर बढ़ते जाने की प्रक्रिया में बामावर दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है और चक्रवात का रूप ले लेती है। इसे स्पष्ट रूप से उपग्रह द्वारा लिए गए फिल्म से हम देख सकते हैं कि वायु की दिशा में विक्षेपण के कारण बादल किस तरह वामावर दिशा में घूमते हैं और चक्रवात का रूप ले लेते हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या हमने कोरियोली बल को आधार मानकर किया। कोरियोली बल की व्यंजक में ओमेगा संबंधित घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग है। जो उदाहरण हमने लिए उसमें ओमेगा पृथ्वी की घूर्णन की कोणीय वेग है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस तथ्य का पहली बार प्रयोग द्वारा प्रदर्शन जेबी फूको ने फरवरी 1851 में पेरिस की पेंथियों में किया था। आखिर ये प्रयोग क्या था? मान लीजिए यह मुसंबी पृथ्वी है और यह पेन एक लोलक है जो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर दोलन कर रहा है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई देगा कि इस लोलक का दोलन तल पूरब से पश्चिम की ओर घूमता जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश तक घूम जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस लोलक का दोलन तल एक घंटे में 15 अंश तक घूम जाएगा। यदि यह प्रयोग हम विषुवत वृत्त पर करेंगे तो हमें कोई भी परिणाम महसूस नहीं होगा, चाहे यह लोलक पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दोलन कर रहा हो।
यह परिणाम विषुवत वृत्त पर शून्य और बढ़ते बढ़ते ध्रुवों तक अधिकतम हो जाता है। फूको ने सर्वप्रथम यह प्रयोग पेरिस में प्रदर्शित किया जो कि लगभग 49 अक्षांश पर है। सैद्धांतिक गणनाओं के आधार पर यहां लोलक के दोलन तल में 11 अंश 20 मिनट प्रति घंटा विक्षेपण होना चाहिए था। फूको के प्रयोग प्रदर्शन में विक्षेपण लगभग 11 अंश प्रति घंटा हुआ और इस प्रदर्शन में लोलक का द्रव्यमान 28 किलोग्राम था जबकि उसकी लंबाई 70 मीटर थी। इस प्रयोग की सफलता से प्रेरित होकर इसे पृथ्वी के कई भागों पर दोहराया गया, लेकिन कोई भी प्रयोग इतने पैमाने पर नहीं हुआ जैसा कि ब्रिटेन के इस चर्च में। यहां लोलक को चर्च के डोम से लटकाया गया जिसकी लंबाई थी 82 मीटर और द्रव्यमान था 80 किलोग्राम और इस लोलक को बॉल बियरिंग की मदद से लटकाया गया था ताकि दोलन के तल पर इसके बढ़े रहने के कारण कोई प्रभाव ना पड़े। हम इस प्रयोग को यहाँ छोटे पैमाने पर ऊना में कर रहे हैं जहाँ का अक्षांश भी कम है, लगभग 18.5 डिग्री। इसे बहुत काल तक दोलन के पहले यूं ही लटकाया गया है ताकि इसकी तार में पड़े बल पूर्ण रूप से निकल जाए। वायु प्रतिरोध दोलन पर असर करता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि दोलन लगातार काफी समय तक होता रहे। अब मैं इसे दोलन करने के लिए उसी तरह छोड़ता हूं जैसे फूको ने किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोलन तल की दिशा इस समय इस एरो के पास है जो 59 डिग्री का कोण बनाती है। सैद्धांतिक गणनाओं के आधार पर विक्षेपण एक घंटे में 4 अंश 45 मिनट इतना होगा, यानी 4 घंटे में 19 अंश के बराबर। तो यदि 4 घंटे बाद हम इसे देखेंगे तो दोलन तल करीब इस दिशा में 78 अंश पर होना चाहिए। बच्चे तो सब चले गए हैं, आइए देखें ये लड़की इस लोलक को लेकर क्या कर रही है। मेरी गो राउंड घूम रहा है और ये लोलक एक ही दोलन तल में दोलन कर रहा है। आइए अब इस स्थिति को एक अजड़तीय दर्शक के हैसियत से देखें। मेरी गो राउंड अब स्थिर प्रतीत हो रहा है लेकिन लोलक का दोलन तल में परिवर्तन हो रहा है। हमारे पृथ्वी भी इस मेरी गो राउंड के तरह एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। जैसा कि हमने सोचा था, दोलन तल की दिशा अब इस दूसरे निशान के पास आ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दोलन तल 4 घंटे में लगभग 19 अंश मुड़ चुका है। अगर किसी घूर्णी तल के सापेक्ष कोई पिंड गतिमान है तो उसकी दिशा में विक्षेपण होता रहता है जिसकी वजह है कोरियोलिस फोर्स। यहाँ दोलन करते हुए लोलक के साथ यही होता है जिसके कारण उसका दोलन तल लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। प्रसिद्ध ज्योतिर्विद सैमोस के अरिस्टार्कस और भारत के आर्यभट्ट ने तारों के उदय और अस्त को आधार मानकर यह साबित किया कि हमारी पृथ्वी एक अक्ष के चारों ओर घूमती है। लेकिन फूको पेंडुलम के द्वारा हम अंतरिक्ष को देखे बिना ही यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय मेरीगो राउंड है जो जन्म जन्मांतर से
हमें झूला झूला रहा है।